नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में और बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल 25 मार्च को पूरा हो रहा है। ऐसे में योगी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए 25 मार्च को पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल होकर जनता के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपलब्धियां गिनाएंगे। ऐसे में हमने राजधानी लखनऊ में आम आवाम से बातचीत की और जाना कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कैसा रहा। तो आइए जानते हैं क्या कहना है यूपी की जनता का योगी 2.0 के कार्यकाल के बारे में। सुनिए, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार के योगी 2.0 की सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और ऐसे में आम जनता का क्या कहना है, किस प्रकार से उन्होंने काम किया और कितना हित में काम किया, उसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? घनश्याम शर्मा। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरनगर से। योगी सरकार के एक साल पूरे हो गए हैं, उसको किस प्रकार से देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं, अच्छा काम किया उन्होंने। माफियाओं और जो महंगाई है उसको लेकर कुछ कहेंगे? महंगाई तो कुछ है लेकिन माफियाओं का सफाया करते जा रहे हैं। अच्छा, उनको एक बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कितने हद तक सोचते हैं? ठीक है, सही कर रहे काम वो, अगर क्राइम वालों को बुलडोजर चला रहे तो अच्छी बात है। क्या नाम है भैया आपका? मौसम अली। मौसम अली, किस प्रकार से देख रहे हैं आप इस सरकार को कि एक साल पूरे हो गए हैं, क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा, बिल्कुल गुंडागर्दी बिल्कुल जीरो पे है, खत्म है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सरकार। महंगाई की अगर बात करें तो उसको लेकर क्या विचार है? महंगाई तो कोई ऐसी ठीक है, चल रहा है, वो थोड़ा सा इतनी ज़्यादा नहीं है महंगाई, महंगाई कर रहे लोग ऐसा नहीं है, सरकार के बहुत अच्छा तरीका है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। माफियाओं को लेकर देखा जा रहा है कि योगी की सरकार लगातार उन पर एक्शन की कार्रवाई करती है, ऐसे में उस पर आपके क्या विचार? बहुत अच्छा, गुंडे के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जो गुंडागर्दी करेगा उसका अंजाम यही होना चाहिए। सरकार बहुत अच्छा कर रही है, योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है लेकिन फिलहाल ठीक ही है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, लेकिन जो भी जैसा भी चल रहा है वैसा ठीक ही है। अब हर आदमी को कोई भी सरकार से फायदा या नफा नुकसान नहीं हो सकता है ना भाई, सरकार अपना काम करती है, अब जिसको जो है फायदा अपना, पब्लिक भी अपना काम कर रही है ना, ये सब तो सरकार का आया जाया करती है, अपने हिसाब से जो सरकार करती है वो सोचती है कि हम अच्छे ही कर रहे हैं। इस प्रकार से जो सरकार चल रही है एक साल में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है माननीय भारतीय जनता पार्टी का, और योगी बाबा का अहम योगदान है। सबसे बड़ा चीज़ तो है कि माफियाओं का जो सफाया हो रहा है इस प्रदेश से, सबसे बड़ा उसका यही एक कारण है। और उसके बाद जो गरीब जनता है, धरातल पे काम इनके धरातल पे दिख रहे हैं, गाँवों में काम दिख रहे हैं, चाहे वो बिजली से लगा करके मकान तक के हो, पेयजल की व्यवस्था हो, सारी चीज़ें जो है इनकी बहुत अच्छी चल रही हैं, स्वच्छता पे भी बहुत अच्छा इनका कार्यक्रम चल रहे हैं और धरातल पे थोड़ा सा इनका एक पुलिसिंग जो चल रही है, ये लूट फाटिया जो मचाए हैं इस पर थोड़ा सा इनको ध्यान देना होगा, बाकी सरकार बहुत अच्छी है और सरकारों से अच्छी सरकार चल रही है। तो सुना आपने, आम जनमानस में सरकार के कामकाज को लेकर नाराजगी भी है और ज्यादातर लोग खुश भी हैं। अगर लोग नाराज भी हैं तो महंगाई की वजह से हैं, बाकी कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर सरकार का तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच दूसरे कार्यकाल में अगर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी तो वो बाबा के बुलडोजर ने। जी हाँ, बुलडोजर ऐसा चला कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले माफियाओं को रौंदते हुए, उनकी संपत्तियों को ध्वस्त करते हुए बुलडोजर ने पूरे देश में एक अपनी अलग पहचान बना ली और पूरे देश में बुलडोजर बाबा के बुलडोजर के नाम से जाने जाने लगे। आदरणीय योगी जी की सरकार के दूसरे कार्यकाल को एक वर्ष पूरा होने पर मैं हृदय से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का अभिनंदन करता हूँ और उपलब्धियों की दृष्टि से यह यशस्वी मुख्यमंत्री का अभिनंदनीय कहा जाएगा, जिस तरह से उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करके प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए अहर्निश काम किया और एक सफल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हुआ जिसमें लगभग 40 लाख करोड़ से ऊपर के निवेश के प्रस्ताव आए। एक्सप्रेस वे, मेट्रोज, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट्स, विभिन्न क्षेत्रों में जो बहुआयामी विकास की जो उत्तर प्रदेश में कार्य हो रहे हैं,
वो माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन, उनके अहर्निश परिश्रम का ही परिणाम है कि आज चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देख लीजिए, शिक्षा में देख लीजिए, और रोजगार की दृष्टि से औद्योगिक विकास और डिफेंस कॉरिडोर को ले लीजिए, जो आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ बनने वाली है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश देश के आर्थिक ग्रोथ का इंजन बनने वाला है, ये सब उपलब्धियाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के अहर्निश परिश्रम और उनके कुशल और प्रतिभाशाली और विजन वाले नेतृत्व का परिणाम है। और वहीं विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और इसी के साथ ही कांग्रेस सरकार को हर मुद्दे पर फेल बता रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि दूसरा कार्यकाल कानपुर और इसी के साथ ही प्रयागराज जैसी घटनाओं के कारण बेहतर नहीं कहा जा सकता, योगी सरकार फेल है। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है और एक वर्ष के कार्यकाल को नाकाम बता रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल और इस सरकार का 1 वर्ष, ये भारतीय जनता पार्टी की असफलताओं की कहानी कहता है। भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून व्यवस्था के हाल बुरे हैं। उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है, थानों में बलात्कार हो रहे हैं, नौजवान आज रोजगार के लिए भटक रहा है, शिक्षक भर्ती की चयन सूची को निरस्त कर दिया जाता है, किसान आज छुट्टा जानवरों से परेशान है, उनकी फसल को खरीदने वाला कोई नहीं है, महंगाई से आज लोगों की कमर टूट चुकी है, चाहे वो गैस के दाम हो या दूध दही पे जीएसटी की बात हो, भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे फेल। योगी की 2.0 सरकार में कुछ भी प्रदेशवासियों को नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ झूठ मिला, फरेब मिला, किसानों की जान चली गई। हत्यारे गृह मंत्री ने किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाई, आज भी वो अपने पद पर है। लगातार प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रचार के सहारे केंद्रित है। आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा मित्रों को नौकरी नहीं दे पाई, अनुदेशकों को स्थायी नियुक्ति नहीं दे पाई, किसानों से वादा किया था कि हम गन्ना लेंगे, आज तक गन्ने के ऊपर कोई दाम नहीं बढ़ाया गया, आज भी गन्ना किसानों का पैसा बाकी है। तो सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाना, तानाशाही करना, ये इस सरकार का कृत्य है। हम लगातार सड़क से सदन तक जनता की आवाज उठाते रहेंगे। इस तानाशाह सरकार को भले ही जनादेश मिल गया, लेकिन जनता को सिर्फ और सिर्फ दर्द मिला है। जिस प्रकार से योगी का कार्यकाल 1 साल पूर्ण हो रहा है 25 मार्च को, जिसमें आम जनता और छात्रों का कहना है कि सरकार जो है वो उनके हित में काम कर रही है और लगातार उनके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं ला रही है, और कहीं ना कहीं वहीं कुछ जो एक छात्र हैं उन्होंने निराशा भी जताई कि सरकार ने वादा किया था कि उन्हें टैबलेट और फ़ोन का वितरण किया जाएगा पर उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं कुछ जो आम जनमानस हैं कुछ इनसे संतुष्ट हैं और कुछ इनसे अभी संतुष्ट नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले जो कार्यकाल होगा वो किस प्रकार से बीतता है और योगी सरकार की ये कार्यकाल किस प्रकार से आने वाले चुनावों में महत्वपूर्ण रहेगा। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ राजकिशोर वर्मा, लखनऊ से। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।